दोस्तों, जैसा कि आज गांव में हम लोग आए हैं सांप पकड़ने के लिए, कुछ दिन पहले एक और सांप यहीं से ले गए थे, तो यहां पे भाई ने सांप को देखा है घर में। कौन सा सांप देखा है? बिग साइज का सांप देखा, ठीक से देखा नहीं है, बिग साइज का है, बड़ा है। हाँ। आइए। हाँ। यहाँ पे दोस्तों काफी सारा कचरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे चूहा के रहने के लिए काफी जगह है, और जहाँ पे चूहा होता है सांप का वहाँ आना ज्यादा रहता है। आइए टॉर्च लाइए, फिर देखें, छेदे भी तो हैं यहाँ पे। ये टॉर्च से रे टॉर्च 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 लेके आओ। हटाओ सामान, चलो जो दल्ला कहते हैं कि जो दल्ला बाहर देखो, बाहर एक आदमी कहाँ के लाने का, बाहर पहुंचा नहीं था पटिया जो छोड़ना है कहा पर ये हटा भी पूरे सामान हटा पे और पाड़ लेंगे आके ना, तो हटाओ बल्ला तो वो है तुझे तान लेते हैं हम भी। सांप जल्दी भाग रहा था दोस्तों, जैसा कि वहाँ पे उसको जगह नहीं मिल पाई, नहीं तो सांप नहीं मिलता वहाँ पे, इसके लिए भागने के लिए जगह काफी कम थी। वहाँ पकाया के नहीं चले, चलो बहुत ही गुस्से में है अभी, जब तो कर रहा है बार बार। जुमा स्टक ले गया ना साथ में, ये पड़ा है। हाँ, कहाँ देख रहा है, आइए देखिए। हाँ दाऊ देखो, आप तुम कह दे पूछ रहे हैं, देख लो आप। तो पूछे ही ना पेड़ी। नहीं नहीं, इसमें दोस्तों जो अपने यहाँ एक भ्रम फैला रहता है कि सांप पूछ से काटता है, पूछ से सांप नहीं काटता, हमेशा सब सब मुंह से ही काटते हैं। ये पूछ का तो अपने यहाँ भ्रम फैला है पिछले कई सालों से, तो उसी भ्रम को लोग मानते चले आ रहे हैं। कोई भी सांप अगर दिन में बोलते हैं लोग कुछ गया घर पे आया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। इसके लिए कोई थैला या बोई, अच्छी सी साजी बोई हो
उसको सांप को पकड़ लिया, कहीं गुस्से गुस्से का मूड है इसका काटने का, कभी भी काट सकता है, लेकिन बहुत कम काटने वाला सांप है। देखिए उसने कई बार हमको काट भी लिया है धामन सांप ने, लेकिन इसके काटने से कुछ नहीं होता है। आंटी जूल लगाता है, डरता तो है, दिखा दो मुझे, दिखा दो इनको काट काटने के लिए उसे का यार सन मिला था तो कभी कभी रहते हैं ये के लिए हमने इतने लंबे लिए हैं सन ये कर चलो जा उसको पैक कर लिया है, छोड़ेंगे कितने इसको पुनर्वास में से। दोस्तों जैसा कि अभी हम लोगों ने जस्ट सांप को रेस्क्यू किया था लगभग एक घंटा पहले, तो हम लोग सांप को यहाँ पे फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। उस सांप को निकालते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो यही सांप है जो जिसको हमारे यहाँ तो घोड़ा पछाड़ बोलते हैं अपने भारत में, क्या हर जगह इसको घोड़ा पछाड़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत स्पीड गति वाला सांप होता है, सब सांपों में सबसे तेज दौड़ने वाला सांप यही होता है। चलो इसको ज़्यादा परेशान नहीं करते हम लोग और इसको जाने देंगे। देखिए कितना स्पीड जाएगा, इधर क्यों जा रहा है, ये गांव की तरफ जा रहा है। कुत्ता बहुत घूम रहा है, देखो तो बहुत ही स्पीड में सांप चला गया है। जाए तो इस सांप को और हम लोगों ने अभी रेस्क्यू किया था, उसको भी हम लोग जाए लेते हैं। ये भी अपने पैर से खुना बाद में ये पूरा उसको कम दिखाता है, चलो दिखा उसी का क्योंकि सांप जिस चीज में से निकाला उसी में जाने लगा है वापस। अरे बाहर जाइए, तो ये बहुत ही घातक सांप होता है। देखिए उसी डब्बे से बाहर निकाला तो उसी में फिर चला गया। दोस्तों बहुत ही जहरीला सांप होता है, नियर स्पेक्ट। दोस्तों सांप को भी हम लोगों ने छोड़ दिया है, अब चलते हैं अपने घर की ओर। और एक वो हमारे पास बड़ा वाला था वो भी जा चुका है, ये नियर स्पेक्टियल कोबरा है, ये भी जा रहा है। दोस्तों हम भी चलते हैं अपने घर की ओर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों एक बात और है, हमारे वीडियो का वॉच टाइम थोड़ा और बचा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी जानकारियाँ जो लोगों तक काफ़ी पहुंच सकें और हमारा भी वो मतलब यूट्यूब वाला वॉइस ट्रेन चल सके। इसलिए